नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज फ्लैश में। मैं हूं आशी प्रतीक और चलिए बढ़ते हैं आज की खास खबर की। अब खबर फलसूंड से। कस्बे में फर्जी मौका रिपोर्ट तैयार करने और व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने के आरोप में तत्कालीन तहसीलदार चंदन पवार, भू अभिलेख निरीक्षक जैठू सिंह और पटवारी शकुर खान तथा मुकेश साथी दो भूधारकों के विरुद्ध धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े का मामला मान्य न्यायालय पोखरण में पेश। प्राप्त जानकारी के अनुसार फलसुंड कस्बे में गुजरने वाले स्टेट हाईवे 65 और 40 के मध्य पुराना खसरा संख्या 2009 का है मामला, जिसमें राजस्व अधिकारियों ने हाईवे को गायब कर सड़क को ही कर दिया था। आवासीय और वाणिज्यिक तरमीम, उक्त तरमीम और कन्वर्जन से पहले नहीं ली सार्वजनिक निर्माण विभाग और वन विभाग आदि की अनापतिया। सूत्रों ज्ञात हुआ तो मामला खुलने के बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग सड़क के कटान की कर रहा है कार्यवाही, जिसमें खातेदारों कई अवैध दुकानों से आ सकती है चपेट में और साथ ही राजस्व अधिकारियों और खातेदारों पर मिली भगत कर फर्जीवाड़ा करने के आरोप में हो सकती है बड़ी कानून कार्यवाही। परिवादी अशोक कुमार जैन ने बताया कि हाईवे के नियमों के विरुद्ध सड़क की भूमि को किया गया है।